कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में शुरू होने वाला संसद का मॉनसून सत्र अपने आप में अनोखा होगा, जहां पे सांसदों के बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। उसके साथ ही इस बार के सत्र में जो भी लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ बिजनेस, सवालों का लिस्ट इत्यादि, हार्ड कॉपीज मिलने के बजाय ये सभी दस्तावेज़ एक ई पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि अभी तक 350 के लगभग सांसदों के पीएस को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है कि किस तरह से इन दस्तावेज़ों को एक्सेस किया जा सकता है ई पोर्टल द्वारा। इस बार के सत्र में जो सांसद हैं वो दोनों सदनों में बैठेंगे, सदनों के चेंबर्स के साथ साथ गैलरीज में भी बैठेंगे। राज्यसभा जहाँ पे 244 सदस्य हैं वहाँ पे 136 सदस्य लोकसभा के चेंबर्स में बैठेंगे, वहीं पे 57 सदस्य राज्यसभा के चेंबर्स में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की गैलरीज में बैठेंगे। सामान्यतः जब सांसद बोलते हैं सदन में तो वो खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन इस बार सांसदों को अपनी सीट पर बैठ के बोलना है। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि जहाँ पे सामान्यतः जब डिवीजन होता है, वोटिंग होती है संसद में सदन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, लेकिन इस बार क्योंकि सांसद अलग अलग सीटों पर बैठ रहे हैं, वोटिंग सिर्फ स्लिप्स के द्वारा होगी, यानी कि सिर्फ पर्चियों के द्वारा ही वोटिंग होगी। इससे सदन में अगर डिवीजन होता है वोट्स का तो उसमें जो टैली है उसको आने में वक्त लग सकता है, लेकिन इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप में अनोखी हो रही हैं, जिनमें से ये भी एक है। इसके साथ ही दोनों सदनों में लगातार जो भी सदस्य दूसरे जगहों से बोल रहे हैं उनके वीडियोस टेलीकास्ट होंगे और साथ ही सभी सदनों के ऑडियोज़ को भी कनेक्ट किया गया है, ताकि सारे लोग जो भी किसी और जगह बैठे हुए सांसद भी बोल रहे हैं वो सुन सकें। इसके साथ ही सांसदों का कोविड-19 टेस्ट भी होगा। सेशन शुरू होने के पहले 11 तारीख से ये टेस्ट शुरू होंगे। इसके लिए एक विशेष परफॉर्मा भी दी गई है जिसको कि भर करके सांसदों को देना है। उनके और उनके परिवार के लोगों का कोविड-19 टेस्ट होगा, साथ ही संसद के जो स्टाफ हैं उनका भी कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में इस सेशन में प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसको लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ है, लेकिन 0 आर एक सीमित मात्रा में होने वाला है, जिसके लिए जो नोटिसेस हैं वो सारी ई नोटिसेस सांसदों को देनी होंगी। जल्द ही शुरू होने वाले इस सत्र में बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर विपक्ष बहस चाहता है। इसके साथ ही एक लंबी सूची है बिल्स की जो कि सरकार को पास करानी है, और साथ ही 11 अध्यादेश भी हैं जिनको कि सरकार सदन के सामने लेकर आएगी। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।